हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट में जो है वो है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया तिरंगा। तिरंगा जो है ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है। वो ये है पिक्चर इसका है। ये जो है ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है। सेकंड में नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पिकॉक। पिकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड क्या है इंडिया का? पिकॉक। ठीक ना, ये रहा पिकॉक, ये जो है इंडिया का नेशनल बर्ड है। ठीक ना। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो। मैंगो जो है वो इंडिया का क्या है? नेशनल फ्रूट है। ठीक ना। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। ये टाइगर जो है ये इंडिया का नेशनल एनिमल है। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। ठीक ना। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। ये लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर है। ठीक ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया तिरंगा। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पिकॉक। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। तो रिमेंबर हो गया नेशनल फ्लैग क्या है इंडिया का? तिरंगा। नेशनल बर्ड पिकॉक। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल फ्लावर लोटस। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं। ठीक ना, इसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट में है व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अभी जस्ट आप पढ़े हैं ना, लर्न किए हैं ना, इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? पैरोट। नो, क्या होगा? पिकॉक। अभी जस्ट आप लर्न किए थे तो इसमें क्या हो जाएगा? पिकॉक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पिकॉक। सेकंड क्वेश्चन में है व्हिच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। क्या लर्न किए थे अभी? इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा लोटस। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जस्ट लर्न किए हैं, क्या होगा इसका आंसर? व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? लायन। नो, क्या होगा? टाइगर। इसमें हो जाएगा टाइगर, यहाँ पे टाइगर लिखना है। फिर फोर्थ में है व्हिच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भी जस्ट लर्न किए हैं, क्या होगा? इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो, वो लिखना है। फिर फिफ्थ में है व्हिच इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। गुड, तो यहाँ पे तिरंगा लिखना है। ठीक ना, इसी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अब इसका सेकेंड एक्सरसाइज का जो है वो है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको देखना है, पहले लर्न करके देखना है, रीड करके देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, और फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट में है काउ इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अभी जस्ट लर्न किए थे ना, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। और यहाँ पे क्या कह रहा है? काउ कह रहा है, काउ इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि टाइगर है ना इंडिया का नेशनल एनिमल, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। ठीक ना। सेकेंड में पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। यस, पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है ना, अभी जस्ट लर्न किए थे। तो ये हो जाएगा
ट्रूथ, यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक ना। इसी तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखना है, रीड करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर टी लिखना है तब जब ये ट्रू होगा स्टेटमेंट, और फॉल्स लिखना है, फॉल्स की जगह पे एफ लिखना है जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक ना। आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और वो फाइव नेशनल एम्बलम जो है उसको रिमेम्बर भी कर लेना है। थैंक यू।